हेलो। हेलो। हाँ जी, बीएस चौहान जी बोल रहे हैं? हाँ जी, जय माता की जय माता दी सर। सर, जी, बताइए। हाँ मेरे को ये आपका प्रोग्राम देख रही थी मैं, पंडोखर जी का, हाँ उससे मैं भी थोड़ा आहत हूँ। अच्छा, हाँ जी, तो मुझे आप आपसे कुछ कहना था। जी कहिए। सर, मैं कोटा राजस्थान से बोल रही हूँ, रेखा। अच्छा हाँ जी, मैं वहां पे 17 में गई थी, 2017। जी दिसंबर। हाँ, जस्ट मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था जिसकी मुझे जानकारी चाहिए थी, तो उसके लिए मैं गई थी उनके पास। और जैसे कि वहां पे मुझे बताया गया कि आप पर्ची कटवाइए, तो मैंने 2100 रुपए की पर्ची कटवा ली। फिर एक तो हम सर्दी में रात में पहुंचे थे वहां पे, पूछते पूछते अब हमारा नंबर आया पांडाल में। उसके बाद है ना, क्या कहते हैं, पहले तो उन्होंने नाटक किया, हमें बताया ही नहीं, बार बार हमारे आसपास से उठा ले हैं और उनको बता दें, और जैसे ही हमारा नंबर हो हम खड़े हो हमें डांट के बैठा दें। अच्छा। लेकिन हमें बेचैनी हो रही थी क्योंकि हमें वापस रिटर्न भी आना था कोटा। तो क्या कहते हैं, हमने फिर बीच में ही हमने कहा भाई आप हमारा नंबर क्यों नहीं ले रहे, आप हमें बता दीजिए ताकि हम फारिग होके निकल जाएं यहाँ से, क्योंकि वहां पे रात में रुकने का कोई इंतजाम नहीं था सर। और हमें किसी ने ये भी नहीं बताया था कि आप है ना 5-10 हजार रुपये अपनी जेब में डाल के लेके जाना। तो क्या कहते हैं, और एक हम बहुत ज्यादा दुखी थे। जी तो जी फिर ना ये सब जब सारे सिम्टम्स थे ना, तो हमने उनसे कहा, तो उन्होंने हमसे क्या कहा सर, हमारी हाँ बात का तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि हाँ हमसे ये कहा कि हम आपके साथ जो भी कुछ हुआ है उसकी हम आपको फिल्म दिखा देंगे, आप 10 लाख रुपए अभी इंतजाम कर दीजिए मेरे को। अच्छा। जी, अब हमारे साथ एक प्रॉब्लम थी सर, मेरा बच्चों का मर्डर हुआ था 16 में, हाँ जिसमें बेटी तो थी 25 साल की और बेटा था 23 साल का, और जी, दोनों इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा। सर, हम पहले ही इतने दुखी थे, हम इसको 10 लाख रुपए कहाँ से देते? जी, तो हम जब हमने उन्होंने हमसे 10 लाख रुपए मांगे, तो हमने कहा कि हमारे पास तो नहीं है। बोले नहीं है हाँ तो फिर जाओ। तो अच्छा। हम सर वहीं से 3 बजे रात को निकल आए थे हम वहां से वापस। और वो पैसे वापस नहीं किया उन्होंने? आपने नहीं सर, वो 2100 की पर्ची वापस नहीं की, और कहा नहीं कि सिर्फ अगर आप हमारा एक, मिलवा नहीं रहे तो हमारे पैसे वापस करिए? नहीं सर, हमने कुछ भी नहीं कहा उनसे, बस हम वापस निकल के आ गए। और हमारा सिर्फ एक ही सवाल था सर, हमारा कोई काम नहीं था, कुछ नहीं था, हम सिर्फ ये जानना चाहते थे कि हमारे बच्चों को किसने मारा। अच्छा, जी सर, तो ये तो उसके बाद सर हम अभी 21 में हम फिर दोबारा गए दिसंबर अच्छा। में। हमने सोचा शायद अब हमें कुछ बता देंगे। तो अब हम, अब भी हमारा एक ही सवाल था कि है ना, क्या कहते हैं, हमारे बच्चों को किसने मारा और क्यों मारा। तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा 1 महीने में आएगा नंबर 5 हजार की पर्ची पे। तो आपने मैंने पर्ची कहा हम कटवाई? नहीं रुक सकते, मैंने कहा हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, हम नहीं रुक सकते इतना। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 21 हजार या 11 हजार की कटवा लो, आपका फिर भी कल तक आएगा नंबर, आज रात अच्छा। को तो रुकना ही पड़ेगा आपको। फिर हमने कहा ठीक है, इस बार हम थोड़ा पैसे लेकर के गए थे, तो हमने 11 हजार की पर्ची कटवा ली सर। ठीक है। फिर रात को अब कमरा कमरा नहीं है हमारे को, और हम दोनों बुजुर्ग, मतलब हम है 56-57 के सर। जी तो हमने कहा अब हम सड़क पे तो रह नहीं सकते ना सर, जी जी बुजुर्ग होने के बाद भी। तो हाँ हाँ हमने कहा ठीक है, हमें कमरा दे दो, तो 1500 रुपए का उन्होंने कमरा दे दिया। अच्छा। फिर हम सुबह, हमारा नंबर आया सर, हाँ हम जैसे ही अंदर गए तो हाँ हमारा हाँ पहला ही सवाल यही कि हमारे बच्चों को किसने मारा और क्यों मारा। हाँ हाँ तो उन्होंने हमसे कहा कि है ना, क्या कहते हैं, आप बैठो।
फिर कुछ पर्ची भी लिखी उन्होंने और हमारे से वो 11,000 की पर्ची ले ली। अच्छा उसके बाद हमसे कहते हैं कि खातीवान महाराज जी का जंगल में कोई मंदिर बना रखा है इन्होंने, वहां जाके कम से कम 25-30 हजार रुपए का उन्होंने पता नहीं कितने खाजे कितने किलो वो सब है ना चढ़ा करके आओ आप, और शुद्ध देसी घी की मिठाई वगैरह ये सब चढ़ा के आओ, उसके अच्छा बाद मैं आपको बताऊंगा, आप पहले ये काम करके आओ। जब तक मुझे उनकी परमिशन नहीं मिलेगी मैं आपसे बात नहीं कर सकता। मैंने कहा सर हमें ये तो बता दीजिए कि है ना क्या कहते हैं उनको सजा मिलेगी भी या नहीं, चलो नाम नहीं बता रहे आप मत बताओ, लेकिन हमें ये तो बता दो कि उनको सजा मिलेगी भी या नहीं। तो उन्होंने कहा कि है ना क्या कहते हैं आप पहले ये काम करके आओ। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा हमारे पास गाड़ी है हम अपनी गाड़ी ले जाते हैं, तो बोले नहीं नहीं गाड़ी के अलग पैसे जमा करवाना, आपकी गाड़ी अपवित्र है और है ना हमारी ही गाड़ी से जाएगी। अच्छा गाड़ी भी अपवित्र हो गई। हाँ आप है ना हमारी ही गाड़ी से जाओगे और हमारा ही आदमी लेके जाएगा ये सारा सामान। अच्छा तो ये खरीदा गया वहीं से? जी सर वो खुद ही बनाते हैं। अच्छा हाँ जहाँ पे वो बैठते हैं ना उसके सामने नया मंदिर बन रहा है सर, उसमें हलवाई बैठा रखा है इन्होंने अपना, उसको बोल दिया 10-20 किलो खाजे बना दो और ये मिठाई बना दो, और एक है? इनकी खुद की इनके पापा की कोई दुकान है मिठाई की जो रास्ते में पड़ी थी गांव में, उससे कहते हैं कि बस इसी दुकान से मिठाई लेनी है क्योंकि ये है ना बिल्कुल शुद्ध घी की घर में बनाते हैं। अच्छा हाँ और फिर वो वहां पे चढ़ाया सर जी और वो सारा वहीं रख लिया और इन्होंने आपस में बांट लिया, क्या किया हमें नहीं पता, हमें नहीं दिया सर जी। अच्छा प्रसाद के रूप में भी नहीं दिया थोड़ा बहुत? जी नहीं कुछ नहीं सर। अच्छा 25,000 रुपए उसके हमारे से ले लिए प्रसाद के। प्रसाद के 25,000 रुपए और 10,000 रुपए गाड़ी के? जी तो 35,000 हो गए। हाँ सर हम 50-60 हजार रुपए लेके गए थे वो पूरे हाँ। एक ट्रिप में खत्म कर दिए इन्होंने। अच्छा और फिर आके उन्होंने बताया कुछ? नहीं सर फिर शाम को हमने जिद की, हमने कहा हमें उनके जो वो गुर्गे हैं वहाँ पे एक काला सा है उससे हाँ। मैंने कहा मैं वो वहीं पर ही रहता है उनके आसपास ही जो अंदर हमें बात करने के लिए भेजता है, तो मैंने हाँ। उससे कहा मैंने कहा मैं सुबह 11,000 की पर्ची कटाई थी, उन्होंने कहा था ऐसे ऐसे प्रसाद चढ़ा के आओ, तो बोले मामा जी के साथ आप ही गए थे, मैंने कहा हाँ मैं ही गई थी और है ना प्रसाद चढ़ा के आए, अब हमारी 2 मिनट उनसे बात तो करवा दो। तो अंदर गए तो क्या कहते हैं उन्होंने पर्ची तो हमें दी नहीं सर जी, वो तो रख लिया, फिर हमने कहा कि अब बताओ हमें, आपने कहा था सुबह के मैं बताऊंगा आपको, तो बोले आप जो आपके दिमाग में जो चल रहा है ना वही हत्यारा है। मैंने कहा हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, बोले वो खुद जानते हो आप, नाम अच्छा। नहीं बताया, बोले अगर कोई पुलिस आएगी तो नाम बताऊंगा, ऐसे मैं नहीं बताऊंगा नाम। तो जब मैंने नाम कहा नहीं ठीक बता, नाम नहीं बताते तो खर्चे क्यों करवा दिए? हाँ नहीं वो कह नहीं सकते, अब हो चुका था सर जी, जी वो तो हो चुका था खर्चा, अब हम कुछ कह ही नहीं सकते थे उनसे। फिर हमने कहा कि आप तो हमें ये बताओ कि उनको सजा मिलेगी नहीं मिलेगी, आज 5 साल हो चुके हैं हमें, 16 की बात है। तो अच्छा। वो कहते हैं कि ना क्या कहते हैं आप ये मंत्र करो, मैंने कहा सर हमसे मंत्र नहीं होगा, हम साफ कह रहे हैं हमसे मंत्र नहीं होगा, तो बोले आप 5 अमावस्या करो, मैंने कहा ठीक है वो हम कर लेंगे, लेकिन हमें ये बताओ कि उन्हें सजा मिलेगी नहीं मिलेगी। तो लास्ट में वो कहते हैं मैं ही पुत्र बन के आपके घर में आऊंगा अच्छा। और मैं ही सजा दूंगा उनको अच्छा। और कोई सजा नहीं दे सकता उन्हें अच्छा। तो मैंने कहा फिर मंत्र, तो बोले मैंने कहा फिर मंत्र करने से क्या होगा, तो बोले नहीं है ना क्या कहते हैं मंत्र से भी आपका कुछ नहीं होगा। अच्छा तो फिर पहले मंत्र क्यों दे रहे थे? उन्होंने सब कागज फिर रख लिए, उन्होंने कहा नहीं आप जाओ मैं ही आपके घर में पुत्र बन के आऊंगा। मैं कहा सर जी मैं आपको शायद मालूम नहीं है कि मेरी मशीनरी निकली हुई है, मैंने ना अब क्या कहते हैं बच्चेदानी का ऑपरेशन करवा रखा है, फिर आप कैसे पुत्र बन के आ सकते हो मेरे पास, आप तो आ ही नहीं सकते। हाँ। बोले नहीं वो तो मेरी हैडक है ना, मैं कैसे आऊंगा आपके पास।
फिर हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद उन्होंने कहा आप अमावस जरूर करना। मैंने कहा ठीक है सर। हमने 3 अमावस की और है ना क्या कहते हैं 2100-2100 रुपए की हर बार पर्ची कटवाते। एक रात वहां पे 1500 रुपए में रूम लेकर के रहते और उसके बाद अगर हम उनसे मिलने के लिए कहते तो वो साफ मना कर देते थे कि अमावस वालों से वो मिलते नहीं है। अच्छा हाँ, उसके लिए आप दूसरी पर्ची कटवाइए और फिर इंतजार कीजिए अपने नंबर का। मैं कहा हम तो 3-4 दिन यहाँ वेट नहीं कर सकते इस चक्कर में। फिर भी सर हमने 3 अमावस की, लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया उसके बाद हम नहीं गए। दूसरा सर ये क्या कहते थे पंडोखर धाम की एक किताब आती है, इन्होंने अपनी छपवा रखी है सर, और वो छपवा करके रहना क्या कहते हैं, कहते हैं इसको 11 बार पढ़ो वहाँ हनुमान जी के मंदिर में। 11 बार पढ़ करके और फिर अमावस मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी आप। अच्छा हाँ जी। उसके बाद है ना क्या कहते हैं तीसरी अमावस पे जब हम बहुत ज्यादा दुखी हो गए, मैंने कहा अब तो 2-5 बोली थी, मैंने कहा 2 ही अमावस और रह गई है, मैंने कहा अपन एक बार मिल तो ले इनसे, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा, मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग गई थी जी, मतलब उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। मैंने कहा अगर यही पोजीशन रही तो हम तो अगली 2 अमावस में आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 500 किलोमीटर पड़ता है सर हमारा कोटा से वहां पे। हाँ हाँ और फिर हर बार हर ट्रिप में हमारे 20-25 हजार रुपए खर्च हो रहे थे हाँ सर। तो क्या कहते हैं मतलब हम टोटली है ना लॉस ही लॉस उठाए जा रहे थे। मेरे 1.5-2 लाख रुपए खर्च हो गए सर इसी चक्कर में जी। फिर हमने क्या कहते हैं उनसे है ना फिर 5,000 की पर्ची कटाई और हाँ। सर इस बार तो इन्होंने हद कर दी हमारे साथ। अच्छा इन्होंने पांडाल में भी नंबर नहीं लिया, कमरे में ये देखते हैं सर मेरा नंबर आए मेरे को छोड़ के आसपास के ले ले, लेकिन मुझे नहीं अंदर ले मैं वो। अच्छा फिर सर मैं सुबह 6 बजे की और रात के 3:30 बजे तक बैठी रही हूँ सर। इन्होंने पता नहीं क्या धांधली कर रखी है, कोई खास खास आदमी आते 8-8, 10-10 उनको अंदर बुला रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, हा हा ही कर रहे हैं, सब कर रहे हैं सर, लेकिन मैं बेवकूफों की तरह बाहर बैठी हुई हूँ। फिर आखिर में 3:30 बजे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, मेरे हस्बैंड भी परेशान हो गए, जब है ना उन्होंने मेरे को गुस्से में कहा कि ये लोग नहीं देखेंगे, तुम क्यों जिद पे अड़ी हुई हो, सब बर्बाद हो गए अपने तो पैसे, अब घर चलो। तो फिर है ना मैंने इनको शांत करके मैंने कहा आप रूम पे चलो, मैं अभी 5 मिनट में आई, अगर नहीं देखेंगे तो फिर अब अपन सुबह चल देंगे घर। फिर जिद करके मैं किसी भी तरह हाथ जोड़ जाड़ करके कमरे के अंदर गई सर। कमरे के अंदर जाने के बाद क्या कहते हैं, कहते हैं आपके हस्बैंड पे तो मसान बैठी हुई है और है ना मेरे बाबा ने मना कर दिया, मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बता सकता, अब आप सुबह 10 बजे आइए मेरे पास। मैंने कहा सर मैं सुबह 6 बजे की पागलों की भूखी प्यासी पागलों की तरह आपके दरवाजे पे बैठी हुई हूँ, आप गाड़ी में कभी इधर चले जाते हो कभी उधर चले जाते हो, अंदर मैं बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रही हूँ जाने के लिए, आसपास के नंबर ले रहे हो, जो दूसरे आ रहे हैं 5-5 मिनट में सर धज करके आप उनको अंदर बुला रहे हो, लेकिन मेरे को छोड़ दे रहे हो, मुझे आप ये बता दो ना कि मुझे देखना ही नहीं है आपको। बोले आपका केस 4 साल पुराना हो गया और अब मेरे बस की नहीं है आपके बारे में कुछ भी बताना। मैं कहा ये बात आप बहुत पहले ही कह देते जब आपने 11,000 की पर्ची कटवाई थी और ना जब आपने मेरे को प्रसाद चढ़वाया था, जब मैं 1.5-2 लाख रुपए खर्च कर चुकी हूँ उसके बाद अब आप ये कह रहे हो मेरे को कि है ना क्या कहते हैं आपका तो केस पुराना हो चुका। मैंने कहा मुझे ये बात पहले बता देते ना तो मैं उसी दिन चली जाती, मैं क्यों बर्बाद करती अपने पैसे यहाँ पे। हाँ हाँ फिर उसके बाद है ना जब मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बताई तो मेरे हस्बैंड ने कहा अब मुझे सुबह 10 बजे भी नहीं मिलना, आप घर चलो। तो सर कुल मिला के मैंने तो एक चीज नोट की है कि ये सब बकवास है, ऊपर वाले ने जब तक सच नहीं बताना ये लोग कुछ नहीं कर सकते इस चीज को। ये ना गरीबों के ना फायदा उठा रहे हैं, जैसे वो होते हैं ना मुर्दे पे रोटी सेक के खाना, हम मरे हुए लोग हैं ये हमारे पे रोटी सेक के खा रहे हैं बस।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब इनके मेरे लिए को अभी अमीर 5 साल गरीब, लग जाएंगे ये 1.5-2 लाख रुपए भरने में। मैंने कहाँ से किए, कैसे किए, मेरी परेशानी तो उन्होंने दूर नहीं की और परेशानी बढ़ा दी मेरी। बिल्कुल और जवाब वही का वही है, आज तक भी मुझे नहीं पता पुलिस ने केस क्यों बंद किया आत्महत्या कह करके, और आज तक भी मुझे उन दोनों बच्चों का कोई जवाब नहीं मिला है, जबकि पूरे इंडिया में मेरे बच्चों की न्यूज आई थी सर जी। शायद आपने भी अगर अखबार पढ़ा हो तो 16 के दिसंबर में एक बहन को तो बेंगलोर में मारा था और उसके भाई को उठा के वहां से लेकर के आए थे और कोटा में ना चंबल ब्रिज में डाला था। 2 दिन के अंदर अंदर दोनों का मर्डर कर दिया था सर। इतनी दुखद घटना के बाद भी, इन्हें पैसे देने के बाद भी बताइए, इस तरह के जवाब दे तो वहां पर सच्चाई कितनी होगी। सर हम तो दुखी थे, हमें तो जवाब चाहिए था इसलिए हम चले गए, वरना हम तो पढ़े लिखे हैं सर, हम इन बातों को मानते ही नहीं है। लेकिन जब आदमी दिमाग हाथ और शरीर हर चीज से खाली हो जाता है ना, तो वो जी इन्हीं लोगों के दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाता है बिल्कुल कि सही कह रहे शायद हैं आप, कुछ जवाब मिल जाए। और ये उसी भावनाओं का दोहन करते हैं। उसी भावनाओं का दोहन करते हैं सर। और वही परेशानियों को ये पॉइंट बना के पैसे लूट लेते हैं। हाँ वो तो सर बिल्कुल सरकारी सर्विस में है, जो हम तनख्वाह की तनख्वाह पूज ही आए उसके पास, अगर हम प्राइवेट में होते सर तो शायद हमारे को ये इतना कर्जे में उतार देते कि हम आत्महत्या ही कर लेते। बिल्कुल, परेशानी तो इन्होंने खड़ी करी दी थी, और अगर इन्हें कुछ नहीं बताना था तो इतने सारे कार्यक्रम क्यों करवाए, इतने पैसे क्यों खर्चा करवाए। नहीं, इन्हें साफ ही कह देना चाहिए था कि जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हो वो पुलिस ही नहीं ढूंढ पाई, तो फिर क्या कहते हैं पुलिस का भी मुंह बंद किया है, फिर आप थोक पीट के दावा क्यों करते हो कि ना मैं बता सकता हूँ, मैं सच्चा हूँ, ये शोध का काम है, ये फलाना है, ये डिकड़ा है, आप झूठ क्यों बोलते हो। वही झूठ बोल के ही तो पैसे लेने की प्रक्रिया है। अगर आपसे ये कहा जाए कि हमें कुछ भी नहीं आता है फिर भी हमें आपसे पैसे लेने हैं, तो क्या आप दे देंगे? नहीं मैं वही तो चीज कह रही हूँ, आप बोल दो ना, आप दुनिया को गुमराह क्यों कर रहे हो सर। दुनिया बहुत दुखी है, इस संसार में मुझसे भी बड़े बड़े दुखी बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन आप ये भी तो सोचिए ना कि वो लोग पैसा कहाँ से लाएंगे तुम्हारा पेट भरने के लिए। बहुत से लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं कि जो कर्ज लेके हम वहां पैसे गए हैं वो कैसे भरेंगे, और आज भी वो कर्ज भर रहे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनको लिए नया मुर्गा तैयार है सर। हाँ बिल्कुल एक ने गर्दन कटवाई, उस जैसे बेवकूफ 10 और लाइन में खड़े हुए हैं गर्दन कटवाने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खैर, हम ये जो आपसे मेरी वार्ता हो रही है, जी सर, आप अगर कोई आपको आपत्ति ना हो तो मैं वीडियो बना के डाल दूं। बिल्कुल सर, मैंने असलियत में इसीलिए आपको कॉल किया है। ये मैं पहले आपके किसी और भी थे आपकी टीम के मेंबर, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा नहीं सर मेरे को चौहान सर से ही बात करनी है। सर डालिए, क्योंकि ना मेरे पास पैसे थे मैंने खर्च कर दिए सर, क्योंकि इन्होंने पहले ही मुझे बता दिए थे कि 10 लाख रुपए लगेंगे आपके, उन्होंने तब नहीं थे मेरे पास, मैं चुपचाप आ गई। उसके बाद मैंने 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, किसी के पास 2,000 रुपए भी नहीं है सर, उसकी कंडीशन सोचिए, उसे तो जवाब जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, शायद वो जन्म उसका बेकार ही हो गया। नहीं, इन परिस्थितियों में अगर आप 10 लाख भी दे देते तो क्या जरूरी है कि वो जवाब दे ही दे देते? क्योंकि नहीं सर वो देना ही नहीं था ना उसे जवाब, तो वो तो बेवकूफ बना रहा था, क्योंकि उनने जवाब हमारी तो उन्हें भावना को कैश किया है सर। क्योंकि उन्हें जवाब तो पता ही नहीं था, तो क्या जवाब देंगे? क्योंकि हाँ जवाब वो देता है जिसके पास जवाब हो। सर, उसको पैसों से मतलब नहीं होता, वो पहले बिल्कुल सच्चाई रख देता कि आप पैसे की पर्ची बाद में कटवाना,
आपका जवाब ये है और मैं गारंटी से कहता हूँ आप उसको जेल करवा दो, फलाना आदमी है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, उस चीज के मैं एक जानकारी आपको दे दूं, जहां पर खुले रूप से कह के भगवान के नाम से पैसे लिए जा रहे हो आप, ये मान लीजिए वहां पर भगवान की कृपा कभी हो ही नहीं सकती। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है ना सर, जो दुखी होता है ना वो इतना सोच नहीं पाता, वो बस एक ही चीज उसके मन में होती है, मुझे जवाब चाहिए, चाहे कितने पैसे लग जाएं, मुझे जवाब चाहिए। यही तो परेशानी है, इसीलिए तो हमें वहां जाने की जरूरत है। इसी चीज का ये फायदा उठाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास किसी भी तरह कोई पर्ची है जो अमावस्या वगैरह गया हूँ? जी है, सारी पर्ची है सर। तो वो आप मुझे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मुझे भेज दीजिए, और एक अपनी मोबाइल से अपनी फोटो खींच लीजिएगा, वो भेज दीजिएगा। जी सर। और आप एक बार अपना नाम और पता मुझे बता दीजिए। हाँ सर जी। रेखा शर्मा जी, कोटा राजस्थान। हाँ जी ठीक, द्वारकापुरी। अच्छा अच्छा जी, द्वारकापुरी से हैं। तो आप ये मुझे भेजिए, मैं बिल्कुल वीडियो बना के डालूंगा, क्योंकि ये जिस तरह से इनके द्वारा कर्म किए जा रहे हैं, समाज को आगाह करना बहुत जरूरी है, जिससे लोग उस वीडियो को देखे तो बच जाए, बहुत हजारों लोगों को बचाया जा चुका है अभी तक। लोग फोन आते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आदमी को जवाब मिले ना मिले, लेकिन वो बर्बादी के कगार तक तो नहीं पहुंचे। बिल्कुल सही है भाई, जो उसके पास जमा पूंजी है अगर वो उसे भी बर्बाद कर देगा तो वो तो जीने लायक वैसे ही नहीं रहेगा, जवाब तो उसे मिलना ही नहीं है। खैर ठीक है सर, मुझे, मैं अभी आपको आप भेज देती हूँ। जी जी भेजिए मुझे। जय माता। थैंक यू सर, आपने इतना टाइम दिया मुझे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारा तो एक उद्देश्य है, समाज में जो फैली हुई कुरीतियां उनको दूर किया जा सके, जो धर्म के नाम से लोगों की ठगाई हो रही है उसमें ब्रेक लगाया जा सके, सनातन धर्म जी के सर, आप नाम एक तो से इस मुहिम को छोड़ना मत सर। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इनको इनके किए का दंड जरूर मिले। ठीक है सर। जय माता की, जय माता की।